बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,30,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र भी कर लिए गए और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है और हम इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी विपक्ष के संग ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे वो युद्ध में कहीं जा रही हो, और मुझे लगता है बीजेपी के हताशा को झलकाता है, बीजेपी की निराशा को झलकाता है और बीजेपी को लगता है कि 10 साल के इनके कुशासन के बाद अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो बीजेपी के कई बड़े नेता जेलों की सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बातें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं और अब वो इस स्तर पर गिर गए हैं कि विपक्षी पार्टियों के खाते सीज कर रही हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं। और टाइमिंग को देखकर भी आश्चर्य, 7 साल पुराने केस में ठीक चुनाव से पहले खाते सीज क्यों किए गए ये, और जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया वो क्यों किया गया, समय है। उसी तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले करना, उसी तरीके से अन्य नेताओं को ठीक चुनाव से पहले ईडी के समन प्रस्तुत करना, ये इस बात का को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। 3-4 नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री किसी विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति के या कर्मचारियों की नियुक्ति के पत्र स्वयं प्रेषित कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बीजेपी का कार्यकाल पूरी तरीके से निराशाजनक है। उनको उत्तर देना चाहिए अंकिता के वीआईपी का, उनको उत्तर देना चाहिए केदारनाथ में सोने की चोरी होना उसकी जांच नहीं बैठाने का, उनको उत्तर देना चाहिए SSSC भर्ती घोटाले का, उनको उत्तर देना चाहिए पटवारी पेपर लीक का, उनको उत्तर देना चाहिए महिला उत्पीड़न में, महिला अपराध में उत्तराखंड का पूरे 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर आने का, अग्निवीर योजना से हो रहे नुकसान का, पलायन का, लेकिन वो इन किसी भी विषय में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन्वेस्टमेंट मीट जो उन्होंने करी थी उसकी क्या उपलब्धियां आज तक रही, उसका श्वेत पत्र, कितनी कंपनी जो पिछली सरकारों में यहाँ आई थी सिटकुल्स में, उनमें से कितनी कंपनियाँ बंद हो गई, उसका मैंने श्वेत पत्र जारी करने का आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग की थी, जो आज तक सामने नहीं आया है। तो इन बातों को बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।